हे हाय, मेरा नाम है डॉक्टर अरविंद गुप्ता और अगेन मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ, बेस्ट सनस्क्रीन फॉर विंटर्स। यस, आपने सही सुना, विंटर्स में हमें कौन सी सनस्क्रीन लगानी चाहिए और क्यों लगानी चाहिए विंटर्स में भी, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि विंटर्स में तो धूप होती नहीं, तो हम सनस्क्रीन लगा के क्या करेंगे। भाई, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि बाहर धूप नहीं है, बाहर छांव है, बाहर बादल है, बाहर मौसम बहुत सुहाना हो रहा है, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जा रहे हो, तो आप ये बात को लिख के रख लीजिए कि जितना डैमेज आपकी स्किन को गर्मियों में 12 बजे की चिलचिलाती धूप में होता है, सेम उतना ही डैमेज आपकी स्किन को ठंडियों में भी वैसे ही होता है। रीज़न उसका क्या है मैं आपको बताता हूँ। सन में तीन टाइप की किरणें होती हैं, ठीक है, UVA एंड UVB एंड इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज गर्म होती है, जो हीट फील करती है, खराब वो नहीं होती है। खराब होती है UVA एंड UVB, जो झुर्रियाँ कॉज करती है और टैनिंग कॉज करती है, जो हमारे जो दुश्मन है, जो हमारी एजिंग भी कॉज कराती है। तो ये होती है UVA एंड UVB। अभी क्या होता है कि बाहर जब बादल होते हैं, तो बादल में आपके जो इंफ्रारेड रेज होती है वो फिल्टर हो जाती है, वो नीचे नहीं आ पाती है, बट UVA एंड UVB उसको फिल्टर करके नीचे आती रहती है। तो हमको चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात का सीज़न हो, या गर्मी का सीज़न हो, आपको सनस्क्रीन हमेशा लगाना है। और एक आपने देखा होगा, एक चीज़ देखी होगी कि बहुत सारे लोग जनरली जब ठंड में या किसी ठंडे एरिया में जाते हैं, तो वो जल्दी टैन हो जाता है। आपने देखा होगा कलर डाउन हो जाता है सर्दी वाले एरिया में जाने पे। तो हम लोग को लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मगर उसका रीज़न यही है कि उसमें UVA एंड UVB होते हैं, और जिसके कारण हमारी स्किन को डैमेज होता है। तो हमें सन प्रोटेक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि यूवी स्पार्क, ये सनस्क्रीन विच इज SPF 50, और ये सस्ती भी है, इट्स अराउंड 390। तो सस्ती सनस्क्रीन बता रहा हूँ मैं आपको, विच हैविंग UVA एंड UVB बोथ प्रिकॉशन हो गए, तो ये आपको दोनों से बचाएगा। साथ में इसमें स्किन ब्राइटनिंग फार्मूला भी है। स्किन ब्राइटनिंग फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, बिकॉज जब आप बाहर धूप में जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डैमेज तो हो ही रहा होता है स्किन के अंदर। जब आप स्किन ब्राइटनिंग फार्मूला वाली सनस्क्रीन आप लगाते हैं, तो वो आपको व्हाइटनिंग इफेक्ट भी देता है, और जो सन का डैमेज हो रहा होता है ना, उसको भी खत्म करता रहता है। इस सनस्क्रीन की सबसे अच्छी खास बात क्या है कि नॉन ग्रीसी है, या जब लगाएंगे तो आपको ऑयली फील नहीं होगा। दूसरी बात, ये नॉन कॉमेडोजेनिक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमेडोजेनिक जनरली मैक्सिमम सनस्क्रीन में कॉमेडोजेनिक होती है, वो थिक होती है, वो आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ग्रीसी सा ऑयली सा लुक देगा और आपको एक्ने कॉज करने लगेगा। तो नॉन कॉमेडोजेनिक सनस्क्रीन है ये, साथ में ब्राइटनिंग स्किन ग्लो भी देता है, और ये ऑयल फ्री है, डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है। तो ये ठंड में, ठंड के मौसम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी सनस्क्रीन को लगाने का तरीका क्या होता है? तरीका यह है कि आपको मिनिमम 3 से 4 बार उसको लगाना है, कोई भी सनस्क्रीन हो, एक्सेप्ट व्हाइटनिंग सनस्क्रीन। ओके, तो दिस इज यूवी स्पार्क, यू हैव टू अप्लाई 2 or 3 times। घर के बाहर जाने के पहले हाफ एन आवर पहले आपको अप्लाई करना है, 50 पैसे के सिक्के बराबर आपको अप्लाई करना है चेहरे पे, और फिर लगा के आपको बाहर जाना है हाफ एन आवर बाद। साथ ही साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूवी स्पार्क टैबलेट, विच इज ओरल सनस्क्रीन, यूवी स्पार्क फिजिकल सनस्क्रीन जो लगाना है, और खाने वाली सनस्क्रीन में चाहे तो अपने रूटीन में इसको भी ऐड कर दें। सुबह 9 बजे एक गोली खा लीजिए, ये आपको फुल बॉडी को धूप के डैमेज से 6 to 7 hours तक बचाएगा। ये क्या करता है, ये आपको अप्लाई करना है फेस पे, आप बॉडी पे अप्लाई करोगे, हाथों पे अप्लाई किया, आप फुल बॉडी पे अप्लाई नहीं कर सकते हो सनस्क्रीन। तो मतलब लोग करते हैं, बट एक थोड़ा वो हर 3-4 घंटे में रीअप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे अच्छा है कि इसके साथ साथ आप यूवी स्पार्क की ओरल सनस्क्रीन भी खाइए, इससे बेनिफिट ही मिलेगा, ये डबल प्रोटेक्शन होगा, आपका फेस तो बचेगा फिजिकल सनस्क्रीन से, साथ साथ आपकी फुल बॉडी भी धूप के डैमेज से बची रहेगी। ये धूप के डैमेज से जो सन रेज से जो डैमेज होता है स्किन के अंदर, उसको ख़त्म कर देता है। तो ये 50 ग्राम का SPF 50 के साथ 50 ग्राम का पैकिंग है, और विच इज़ नॉन कॉमेडोजेनिक एंड विथ वाइटनिंग ब्राइटनिंग फॉर्मूला, लगाती ब्राइट कर देगा, जो हम सब चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ में और खासियत है कि ठंड में हमें ये वाली क्यों लगानी चाहिए, बिकॉज ये नॉन कॉमेडोजेनिक है, साथ में ब्राइटनिंग ग्लोइंग फार्मूला है, नॉन ग्रीसी, ऑयल फ्री है, साथ ही ये मॉइस्चराइज भी करेगा आपकी स्किन को। तो ठंड में बहुत स्किन ड्राई हो जाती है, सूखी हो जाती है,
खिंचाव खिंचाव सा फील होता है, तो इसको अप्लाई करोगे तो आपको वो दिक्कत नहीं होगी और आपकी स्किन हेल्दी ग्लोइंग और शाइनिंग रहेगी और धूप का डैमेज नहीं होगा। तो प्लीज़ गाइस सनस्क्रीन ज़रूर लगाए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, कोई भी सीजन हो सनस्क्रीन आपको लगानी चाहिए। घर के अंदर भी बैठे होना, घर के अंदर भी हम बैठे होते हैं और लोगों को रहता है कि यार हम तो घर के अंदर बैठे हैं, कार के अंदर है, हम तो ऑफिस के अंदर है, हम क्यों लगाएं सनस्क्रीन। बहुत गलत करते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बहुत गंदी बात है। सन रेज खिड़कियों से भी आती है, जहाँ पे आप बैठे हैं अगर आजू बाजू खिड़कियाँ हैं तो वहाँ से भी सन रेज आएगी और वो आपकी स्किन को डैमेज करेगी। तो सनस्क्रीन आप चाहे कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बैठे हो, मोबाइल की स्क्रीन के सामने बैठे हो, तो भी आपको स्किन में यूवी रेज तो आ ही रही है। बेस्ट है नहाओ, जैसे सुबह उठ के अपन ब्रश करते ना, ऐसे सुबह उठ के नहाने के बाद फिर दो और सनस्क्रीन अप्लाई कर लो, ठंड में यूवी स्पार्क अप्लाई करो और अपने स्किन को स्पार्कल करो। ये आपको मिलेगी कहाँ पे? आपको मिलेगी www.lascomake.com पे। वहाँ पे जाइए, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जाके सनस्क्रीन को खरीदिए और अपने चेहरे को बचा लीजिए। कोई भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मेरी आईडी है डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, आके मुझे फॉलो करो। कोई भी डाउट है आप पूछो, मैं आपको हेल्प करूंगा, कोशिश करूंगा सबको रिप्लाई करने की, बट बहुतों को नहीं कर पाता हूँ क्योंकि बहुत सारे मैसेज हो जाते हैं। तो बाय।